खबर भदोही से है, जहां परम स्वाभिमानी महाराणा प्रताप देश की सनातन धर्म व स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए जीवन पर्यंत तक मुगलों से लड़ते हुए अमर शहीद हो गए, परंतु कभी भी देश के गौरव और स्वाभिमान स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। जंगलों की खाक छानी, अन्य जगह घास की रोटी खाया, मुगलों के सामने कभी झुका नहीं, न झुकना स्वीकार किया। महाराणा प्रताप की राष्ट्रभक्ति सनातन धर्म और स्वाभिमान के सुरक्षा के महान प्रेरणा स्रोत हैं। उक्त बातें बतौर मुख्य अतिथि क्षत्रिय समाज सेवी लव सिंह गहलोत एडवोकेट ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर गोदामा शिवजी मंदिर सूर्यावां पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। गहलोत ने आगे कहा कि देश का राजपूत समाज हमेशा देश की आन बान और सुरक्षा की लड़ाई बिना किसी लोभ लालच से लड़ा है और आज भी राजपूत समाज देश के हित और सनातन संस्कृति की रक्षा में सबसे आगे खड़ा है। गहलोत ने समाज और देश हित के लिए कहा कि क्षत्रिय समाज को मजारों पीर पैगंबरों और चादरों फादरों से दूर रहना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत परम राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर मल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक प्रतिमा का मल्यार्पण किया। इस अवसर पर लव सिंह गहलोत ने राष्ट्रीय धावक इंडियन आर्मी कुलदीप सिंह, मंगल सिंह धावक और कुमारी भारती सिंह साकेत राठौर को उत्कृष्ट बात कार्य करने का सम्मानित किया और सफलता के लिए बधाई दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक ठाकुर राम आश्रय सिंह गहलोत, पूर्व राष्ट्रीय धावक जिलाजीत सिंह, समाजसेवी अवध नारायण सिंह सोलंकी, महेंद्र सिंह प्रधान, हरि हंग सिंह, विजय सिंह तोमर, लालमणि सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ठाकुर आध्या प्रसाद जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समस्त क्षेत्रियों को समाज के हित के लिए लड़ना होगा। इस अवसर पर राम कृपाल सिंह, श्यामधर सिंह, अमरपाल सिंह, दीपक सिंह, प्रमोद सिंह, दारा सिंह, हरिगन सिंह आदि क्षत्रिय गण भारी संख्या में मौजूद रहे।